वेल, आजकल इंडस्ट्री में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि मानो अचानक धरती पर तूफान ही आ गया हो। और अब एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मशहूर एक्टर मिथुन दा के बेटे महाक्षय उर्फ मिमोह के खिलाफ रेप का आरोप दर्ज करवाया गया है। वहीं इनके साथ साथ इनकी मम्मी योगिता बाली के खिलाफ भी आरोप दर्ज किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है वो लड़की जिसने मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबके सामने खराब करने की कोशिश की? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उस लड़की से रूबरू कराने के साथ ही इस रेप से जुड़ी सारी स्टोरी को बताने वाले हैं। वहीं अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर आपके डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में योगिता बाली और उनके बेटे मिमोह के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है कि मिमोह ने उनके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गर्भपात और धोखाधड़ी की है। वहीं एक्ट्रेस ने योगिता बाली पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जहां मॉडल ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं महाक्षय चक्रवर्ती के साथ साल 2015 से रिलेशनशिप में थी। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एक बार मैं अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में स्थित महाक्षय के फ्लैट देखने के लिए गई थी, जिसे उन्होंने साल 2015 में खरीदा था। जब मैं वहां गई तो महाक्षय ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मुझे दी और उनके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर महाक्षय ने उनसे गर्भपात करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने मॉडल को पिल्स भी दिए। वो अक्सर महाक्षय से शादी के बारे में पूछा करती थीं, लेकिन जनवरी 2018 में उन्होंने कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पीड़िता ने कहा कि जब उन्होंने महाक्षय को कॉल किया था तो उनकी माँ योगिता बाली ने उन्हें धमकी दी थी, जहां मॉडल एक्ट्रेस ने बताया कि मिमोह उनके साथ 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा और साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान भी करता रहा। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो महाशय ने उन्हें अबॉर्शन करने के लिए दबाव डाला और जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया, और इन सभी कामों में उनका साथ दिया उनकी मां योगिता बाली ने। इसके बाद वो एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए दिल्ली चली गई। उन्होंने महाक्षय और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जून 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 313 और अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया था। ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। बाद में दिल्ली के एक कोर्ट ने इस केस में महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी थी। अधिकारी ने आगे बताया कि मार्च 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस से उस जगह शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा जहां पर यह घटना हुई थी। इसके बाद महिला ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जहां इस मामले में महाक्षय चक्रवर्ती और उनकी मां योगिता बाली पर IPC की धारा 376, 328, 417, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वेल, आपको क्या लगता है कि महाक्षय चक्रवर्ती ने उस एक्ट्रेस के साथ जबरदस्ती की होगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।